रहता हूँ तो मुझे चिल्लाना वगैरह लगता है। यहाँ पे मैं चिल्लाऊंगा ना, आसपास के बंदे मर्डर डालने आ जाएंगे मेरी। हाँ बाबा नोको बाबा JW में देखा है, मत मत बताए ना, फॉरेनर का ऐसा आया था, अरे राप रुक फॉरेनर फॉरेनर, अरे असला पिस्तौल डाला पत्ते तो आम चोर अगो बाबा। अरे अरे हाँ, श्रीमान लाइव कर भाई सकता हूँ, आजी का सही स्टोरी, है अरे वो आजी भी भड़की थी हम लोग पे। बाबा। आजी का स्टोरी तो डेंजर ही था। आजी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एयरपोर्ट पे हम बैठे थे और मैंने पता के कान में कुछ बोला। अभी कान में बोला, थोड़ा सा जोर से बोला होगा, शायद मेरी गलती थी। ऐसा ही आपने एयरपोर्ट डाले थे और जोर से बोला हाँ, थोड़ा जोर से बोला और आजी को हर्ट हुआ। तो आजी ने जो मुझे नहीं? घूरना चालू किया और वो पत्या को बोली कि कितने गावंडर लोग हो तुम, मतलब इस टाइप की बातें करते हो। ठीक है, मैं गावंडर हूँ, मैं गावंडर हूँ, लेकिन नहीं उसने भी, हाँ, उसने लैंग्वेज के बारे में बोला। तो वो भाई लैंग्वेज क्या, देख कैसे दोस्त, प्रीतीश लैंग्वेज जब ऐसा जब का नहीं नहीं जब है ना, जब जरूरत पड़ती है ना, तो ये सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज वाले लोग है ना, वो भागते हैं, और आपने जैसे गांवटी लोग है ना, वो जहाँ पे मैटर रहता है ना, वहां घुसते हैं और मैटर सॉल्व करते हैं मेरी जान। शंबल लिख के देता हूँ तेरे भाई, को। गाउटी लोगों की स्टाइल, मतलब गाउटी लोग किसी को सुन नहीं सकते और किसी से कम भी नहीं होते दोस्त, हाँ, भाषा मैं मैटर नहीं देखो, करती। मेरे को बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड लोग देख रहे होंगे, लेकिन उनको बता दो दोस्तों, सच्चाई वो सच्चाई है कि कुछ लोग होते ना, वो अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड समझते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, आंटी के घर वाले ना, वो आंटी को कंटाल गए होंगे, ये आंटी कब घूमने को जाती है और हमें अपनी लाइफ जीने को मिल रही है। इतना वो खुन्नस में रह रही थी हमसे कि हमने जैसे उनके 2-3 लाख रुपए लिए हुए हैं, इतना गुस्सा कंटिन्यू। मुझे और वो मुझे ही देख रही थी रे, मुझे तो डर लगने लगा था उनसे। और उसके बाद श्रीमान इन लोगों से ना खूब घिन आती, खूब, मतलब मैं बताता हूँ तुझे, अभी वो फॉरेनर था बराबर, अभी हाँ फॉरेनर जब इंडिया में आते तो एक अपने देश में वो टूरिस्ट, मतलब उन्होंने क्या किया था पहले 150 साल पहले, उनके पूर्वजों ने क्या किया था वो देखने आते बराबर। अभी अपन अपने रूम में बसे बैठे थे, हमने पैसे दिए थे वो रूम के इतने ज्यादा जितने उसने दिए थे बराबर। अभी वो उधर दरवाजा था, अपन इतने भी जोर से चिल्लम चाली नहीं कर रहे थे कि उसको परेशान है सोने में, इतना क्या सो रहा था, क्या दूध का बोतल मुंह में लेके सोया था कि नींद नहीं आ रही इसको। अरे करण, प्रॉब्लम बताता हूँ, जिन लोगों ने गरीबी देखी नहीं है ना, उन लोगों की हाँ लाइफ स्टाइल ये है। और जो लोग को गरीबी भी मालूम है, वो सब चीजें सहन की है ना, वो लोगों को सारी लाइफ मालूम है। मतलब गांवटी जैसे कि देख, तेरा भाई गांवटी भी है और प्रोफेशनल से भी प्रोफेशनल है। जिनके हाँ सामने प्रोफेशनल लगना चाहिए, उनके सामने मैं प्रोफेशनल हूँ, लगे लेकिन नॉर्मली मैं वन साइड गांवटी रहता हूँ। तो उन लोगों को पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए ये सब चिल्लम चाली होगी। वो तो ठीक है रे, चलता है, अभी क्या, एडजस्टमेंट इज द की।